आदाब, नमस्कार, गुड नाइट, सत श्री अकाल। हम आपके सामने फिर से आ गए हैं रिलीफ पेंटिंग पार्ट 4 लेकर। आज हम आपके सामने इस रिलीफ पेंटिंग को इसकी कलरिंग करेंगे। ये हमारा इससे पहले वाले पार्ट में हमने आपको बताया था कि इसमें हम इसकी लाइनिंग किए, इसमें कोनिंग किए, और अभी हम इसको कलर करके आपको दिखाएंगे कि इस पर कलर हम इसको कैसे हम करेंगे। तो इसके लिए पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जो हमारे जो भी ये हमारे लाइफ पे फर्स्ट बार आए हैं, तो उनको हम बताना चाहेंगे कि पहले मैंने ये ड्राइंग बनाया, आप देख सकते हैं ये बनाया, उसके बाद ये है प्लाई है, ये है प्लाई बोर्ड 9 mm, ओके 9 mm का भी आता है, 6 mm का भी आता है, 12 mm का आता है। तो ये छोटी पेंटिंग है इसलिए हमने ये 9 mm का लिया है, और इसका साइज है ये 24 इंच बाई 18 इंच। ठीक है, इसके ऊपर मैंने क्या किया, एक मैंने कोटिंग किया है, ये इससे किया है, ये स्पैचुला है, इससे मैंने ऐसे ऐसे इसकी कोटिंग किया है। इसकी आपको टेक्चर हम आपको दिखाता है कि ये किया गया कैसा है, ये आप देख सकते हैं, ये इसी का ये दूसरा भाग है, इसमें ये टेक्चर वो दिख रहा है, आप देख सकते हैं इसमें एक एक इफेक्ट दिखाई आपको देगा। तो ये मैंने जो दिया है टेक्चर, ये हमने मार्बल पाउडर और MR फेविकोल के द्वारा मिक्स करके हमने दिया है, MR फेविकोल, और ये मेरे पास है मार्बल पाउडर, आप देख सकते हैं ये है। तो इसके द्वारा हमने ये इसका ये फेविकोल के साथ हमने पेस्ट बनाया था, और ये पेस्ट बनाने के बाद हमने इसके ऊपर हमने ये बनाया। उसके बाद हमने क्या किया, इस ड्राइंग से जो भी अभी मैंने आपको दिखाया था, इस ड्राइंग से मैंने इसको इस पे रखा, इस पे रखने के बाद हमने इसको ट्रेस किया। ठीक है, इसको ट्रेस किया, ट्रेस करने के बाद हमने इस कोन से इस कोन से इसकी मैंने ये आउटलाइन किया। आउटलाइन करने के बाद इससे जो पतला वाला मटेरियल आता है उससे मैंने इसकी फिलिंग मैंने किया। ये वाला फर्स्ट लेयर है, फिर सेकंड लेयर है, फिर ये थर्ड लेयर है, ऐसे करके। आप अगर नए हैं तो हमारे इसका जो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट आप देख सकते हैं, उसमें अच्छी तरह से बताया गया है कि ये मटेरियल बनाया ये किससे है और कैसे बना है, आप एक एक चीज़ डिटेल में आप देख सकते हैं, उसमें ये पूरा दिया गया है। और इसको हमने फाइनली हमने इसके ऊपर जो वर्क हमको करना था, ये आप देख सकते हैं कि इतना अच्छा वर्क है, ये देखिए इस पर हमने लाइनिंग उनिंग टोटल मैंने कर दिया है। जो हमारे लाइव पे फर्स्ट बार आए हैं, कृपया करके वीडियो को शेयर कीजिए जल्दी से प्लीज। ये देखिए, ये हमने इसकी लाइन हमने फाइनल आज इसको कर दिया था, और इसीलिए आपके लिए हम आ गए हैं ये फिर से। तो आप देखेंगे वीडियो को प्लीज करके जितना हो सके शेयर कीजिए। ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा बोर्ड अब कलरिंग के लिए बिल्कुल ये तैयार है, आप देख सकते हैं। वीडियो को प्लीज करके सभी लोग आगे आगे फॉरवर्ड कीजिए प्लीज। ये देखिए, ये हमारा ये कलरिंग के लिए बिल्कुल ये तैयार है, और हमारे लाइफ पे जो लोग भी आए हैं उनको धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन है। आप लोग ऐसे ही हमारे लाइव पे आते रहिए, और आपको ये पेंटिंग हम अब आपको दिखाते हैं कि इसकी जब हम कलरिंग अब इसको करेंगे कैसे। ठीक है, तो इसके लिए हम आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाना चाहेंगे, ठीक है ना, वो आपके लिए फिर अच्छा रहेगा। वीडियो को ये कृपया करके शेयर कीजिए जो मेरे लाइव पे भी आए हैं, वो शेयर कीजिए प्लीज करके जल्दी से, और ताकि मैं आपके लिए, तब तक मैं आपको एक चीज़ और, अभी मैंने एक वीडियो को शेयर कीजिए सभी लोग।
प्लीज। हम जो बुद्धा हमने जो तैयार किया था उसमें हमारा लगभग में वर्क आप देख सकते हैं कि हमने वर्क हमने करना लगभग में शुरू हमने कर दिया है। और ये हमारा आप देख सकते हैं कि ये बुद्धा लगभग में ये फाइनल होने वाला है। ये म्यूरल पेंटिंग है, ठीक है, ये जो है म्यूरल पेंटिंग है जो मैंने ये प्लाई बोर्ड के ऊपर बनाया है। आप देख सकते हैं ये प्लाई बोर्ड है, ठीक है, और इसको मैंने आप ही के सामने इसको ऊपर हमने मटेरियल लगाया था, फिर इसको मैंने कार्विंग करके ये मैंने बनाया है। और इसको जल्द ही आपके सामने हम इसकी जो कलरिंग करना है वो भी हम लेकर आएंगे। आप वो देख सकते हैं कि इसमें एक एक चीज उभरा हुआ है, ये नाक भी उभरा हुआ है, ये आँख भी, ये होठ भी, ये सब उभरा हुआ है। आप देख सकते हैं तो इस पर अभी वर्क अभी बाकी है। इसकी जब हम कलरिंग करेंगे तो लाइव आए आकर ही इसकी कलरिंग करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये बुद्धा ये हमारा लगभग में ये फाइनल मोड़ पे है, ठीक है। तो ये हमारा है म्यूरल पेंटिंग, ठीक है। ये वीडियो को सभी लोग शेयर कीजिए। ये देखिए तो इसमें भी वर्क अभी बाकी है। इसको थोड़ा सा हम रख देते हैं साइड में, अब इसकी कलरिंग हम आपको दिखाते हैं। वीडियो को सभी लोग शेयर कीजिए। सर आपने इसे कैसे बनाया, प्रोसेस क्या है इसका? इसका प्रोसेस क्या है, अगर आप हमारे लाइव पे आप फर्स्ट बार आए हैं तो हमारा जो इसका जो फर्स्ट पार्ट है रिलीफ पेंटिंग फुल डेफिनेशन पार्ट वन आप देख सकते हैं, उसमें अच्छी तरह से बताया गया है कि मैंने पेंटिंग बनाया कैसे है, ठीक है। एक एक चीज़ आपको देखने के लिए मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं। एक बार और हम आपको दिखाते हैं वर्क इसके अंदर में। ये देखिए ये मैंने जल्दी ही बनाया है, देख सकते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम मैंने नहीं लिया और आपके सामने ही आकर मैंने बनाया है। ये वीडियो को प्लीज करके सभी लोग आगे फॉरवर्ड कीजिए। ये देखिए अब इसकी कलरिंग हम अप करते हैं, ठीक है। तो इसको सर आपका फोन नंबर यही है 9891338339, रजा खान जी ये क्वेश्चन है। हाँ तो आप ये लीजिए, अब हम इसकी कलरिंग करते हैं। तो इस पर हम कलरिंग करेंगे ऑयल कलर, ठीक है। ये मेरे पास है, ये तारपिन तेल है, ठीक है। ये हमने कटोरी लिया, ठीक है। अब कटोरी को लेने के बाद इसमें हल्का सा ये डाल दिया, ठीक है। अब हमने ये स्पंज लिया, अगर आपके पास स्पंज नहीं है तो जो पतला कॉटन है वो आप ले सकते हैं। और इस पर आपको ये पूरे में एक बार डाल देना है, उससे है क्या कि ये जो पेंटिंग है जो इसमें जो ऑयल इसको लेना है चूसना है वो चूस लेगा, ठीक है। अगर इसमें डायरेक्ट अगर कलर वो लेंगे तो फिर वो फंस जाएगा और वो मुश्किल से ही चलेगा। तो इसको पहले हम अच्छी तरह से भिगो लेंगे अच्छे ढंग से, ताकि इसमें जब हम कलरिंग करेंगे तो दिक्कत नहीं आए। और इसमें हम ऑयल कलर ही करेंगे। और एक रिलीक करने के लिए आपको बोल रहे हैं कि इसका एक अलग प्रोसेसर है एक रिलीक पेंट करने के लिए, तो वो जब और कभी हम बनाएंगे कि इस पर एक रिलीक पेंट होता कैसे तो वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इस पर अभी हम ऑयल कलर ही करेंगे, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, वीडियो को सभी लोग शेयर कीजिए। अब हमने क्या किया, इसमें अब जो ज़्यादा ऑयल लग गया है, ठीक है ना, अब इसको हम निकालेंगे, ठीक है, इसी स्पंज से, ताकि अभी इसमें हम वर्क हम कर सकें।
इस पे ऑयल डालने का मेरा मेन मकसद यही है कि ये जो पेंटिंग जो सूखा हुआ है, ऑयल उसको अच्छी तरह से अंदर चला जाए। ये देखिए हम फिर से इसको छान रहे हैं। पेंटिंग ये कलरिंग के बाद ये बहुत ही सुंदर ये होगा और इस पर हम आर्टिस्ट ऑयल कलर ही करेंगे और इस पर ज़्यादा कुछ नहीं। ये देखिए ये लगभग में मैंने इस पर हमने पूछ दिया है कलर को। इसको भिगाने के बाद अब हमने इसको भिगाया है तो इसको कल तक इसकी कलरिंग हमको कंप्लीट इसको कर देनी है जैसे भी हो। वो सर ये कौन सा ऑयल यूज कर रहे हैं आप? ये है तारपिन तेल है। ये देखिए ये हमने इसमें से जो ज़्यादा था हमने निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे कि ये अभी भी इसमें कलर फंसा हुआ है, ठीक है, तो ये हम एक ये लेंगे और इसको हम ऐसे ऐसे इसको पोंछेंगे, ठीक है। वीडियो को प्लीज करके शेयर कीजिए सभी लोग। ये देखिए ये हमारा ऑयल ये लग गया है। एक बार और हम आपको डिस्प्ले पे आपको दिखा देते हैं। ये देखिए ये हमने इस पर ऑयल लगा दिया, ठीक है। इससे क्या है कि ऑयल हमने जैसे ही लगाया है तो जो ये मटेरियल ऑयल को जितना चूसना है वो चूस लेगा, ठीक है। इसके बाद जब हम कलरिंग करेंगे तो आसानी से कलरिंग होगा। अगर इसको हम ये पहले अगर ये नहीं डालेंगे ऑयल को तो होगा क्या कि जैसे ही इसके ऊपर हम ऑयल कलर करेंगे तो ब्रश सूखा सा चलेगा, वो रंग को चूसने लगेगा, जो आपको दिक्कत आपको करने लगेगा, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को प्लीज करके आप लोग शेयर कीजिएगा। अब देखिए इसको करने के लिए आप दो ही इसको करने के लिए आपको हॉग हेयर का इस्तेमाल करना है। हॉग हेयर ये जो मोटे मोटे प्लास्टिक का बाल होता है उसको यूज करना है, ठीक है। ये भी वही है, ये भी वही है, ठीक है। ये वाला आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ये वाला, ये सॉफ्ट वाला, वो क्योंकि अगर सॉफ्ट वाला इस्तेमाल करेंगे तो जो ब्रश है ना जल्दी वो घिस जाएगा, आपका ब्रश है वो खराब हो जाएगा। तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा कि हॉग हेयर का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है ना। अब हम ये लेते हैं, आप देख सकते हैं कि मेरे पास आर्टिस्ट ऑयल कलर है। ये अभी जो वीडियो है हमारा ओनली फेसबुक के लिए है, अभी यूट्यूब के लिए मैंने बनाया नहीं है। यूट्यूब में अपलोड करने में भी दिक्कत हो रही है, तभी हम लाइव हैं अभी हम, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये आर्टिस्ट ऑयल कलर है, ठीक है। तो हम इसी का इस्तेमाल इस पेंटिंग में हम करेंगे। तो इसको अब कलरिंग करने के लिए सबसे पहले इसका हम बैकग्राउंड करेंगे। तो बैकग्राउंड करने के लिए हमने क्या किया है कि एक लिया है छोटा सा, हमने एक प्लेट लिया है, ठीक है, जो यूज का नहीं है। तो ये सभी लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसमें आप बैकग्राउंड अपने हिसाब से कुछ भी आप बैकग्राउंड दे सकते हैं, डार्क दे सकते हैं, लाल और जो लाइट है वो दे सकते हैं। तो हम इसमें जो बैकग्राउंड हम लेने वाले हैं वो लाइट कलर के हम लेने वाले हैं। एक और हम आपको आइडिया बताते हैं इन फ्यूचर में आपको अगर बनाना हो ऐसी पेंटिंग आपके आसानी के लिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे इसकी कलरिंग के लिए, ठीक है, इसको अगर आपको कलरिंग करना है तो एक और आसान तरीका हम आपको बताते हैं। ये जैसे ही आपने ये ड्राइंग बनाया सर, ओनली ऑयल कलर से यूज होते हैं पर्शियन आर्ट में? और नहीं नहीं, आप एक्रीलिक भी कर सकते हैं। तो एक्रीलिक के लिए अलग टेक्निक है, वो हम आने वाले टाइम में आपको बताएंगे। अक्सर लोगों को पता नहीं है कि एक्रीलिक भी हो सकता है और लोग करते भी हैं वैसे, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक्रीलिक जो कलर यूज करते हैं
उसका भी टेक्निक बताएंगे आने वाले टाइम में कि उसको अगर इस पर अगर करेंगे तो आसानी से कैसे टिका रहेगा, उसके बारे में भी हम बताएंगे, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर अभी हम ऑयल कलर आपको करके हम आपको दिखाएंगे। तो इसमें आपको सबसे पहले जो आपने लाइन किया है, ये आप ये देख सकते हैं कि ये लाइन आपने किया है, तो लाइन करने से पहले ये आपने इसको किया, ये जब आपका हो गया ये एक बार ये सब में लाइन करने के बाद आप क्या करेंगे, जो इसके जो है साइड में है जो बैकग्राउंड आप जो करना चाहते हैं पहले से कि नहीं हमको लाल करना है या ब्लू करना है, ठीक है, तो इसको अंदर में तो आपको फिल करना है, ठीक है, तो आपको जो बाहर से जो करना है उसको आसानी से इसको बीच वाला छोड़ के बाहर वाला को आप कलरिंग आप आराम से कर सकते हैं। अगर ये हल्का लाइन के ऊपर भी आ जाता है तो दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको जो अभी इसमें हमको करने में काफ़ी टाइम लगेगा, वो मैंने आपको समझाने के लिए वैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। लेकिन आप चाहें तो इसकी बैकग्राउंड का पेंट आप पहले से इसमें कर सकते हैं, जो आपके लिए इजीली होगा, आसान होगा, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला ऐसे करने के बाद आप, ठीक है, ये उसके बाद अब ये जैसे ये पेंट आपका सूख जाएगा उसके बाद इसको आप फिल कर दीजिए, आपका बैकग्राउंड रेडी है। यानी कहने का मतलब यह है कि ये बैकग्राउंड को पेंट करने में जो आपको एक घंटा लग रहा है, इस टेक्निक से करेंगे तो एक दिन लगेगा, ठीक है, इतना का फर्क है। वो मैंने आपको बताने के लिए ये मैंने ऐसा किया था, लेकिन हमको बताना ये जरूरी है, हॉग हेयर ही इस्तेमाल करना है। हॉग हेयर ये मजबूत होता है, जल्दी एक घिसता नहीं और एक ये सस्ता भी आता है, ठीक है। अगर आप इसमें जो मुलायम बाल वाले अगर ब्रश इस्तेमाल करेंगे तो ये एक्चुअली में है क्या कि ये रफ होता है, जल्दी घिस जाएगा, ठीक है, रफ है, जल्दी वो घिस जाएगा, तो ये आपके लिए फिर मुश्किल हो जाएगा, आपके ब्रश ज़्यादा लग जाएंगे, तो इसलिए ये सबसे अच्छा यही है। तो अब हम इसमें इसकी कलर बना रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम जो कलर बना रहे हैं इसमें हम बस ज़्यादा नहीं, सर हम इस पे टर्पिन ऑयल ही यूज़ कर सकते हैं, लिंसिड ऑयल यूज़ नहीं कर सकते। ये लिंसिड होता क्या है, ऑयल पेंट जब हम करते हैं, ठीक है, उसमें हल्का सा ये फिनिशिंग देने के लिए, शाइनिंग देने के लिए उस पे दिया जाता है, बाकी इसमें इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रिलीफ पेंटिंग जितना रफ में अच्छा लगता है उतना आपको शाइनिंग में अच्छा नहीं लगता है। ये हम आपको अंदर की बात आपको बता रहे हैं, ठीक है, रफ पेंटिंग ही अच्छा लगता है ये। तो आप देखेंगे कि मैंने इसकी बैकग्राउंड के लिए एक ये कलर हमने राव सेना और ब्राउन टम्बर ये मैंने निकाला है, और इसका बैकग्राउंड हमको थोड़ा इस टाइप का देना है। अब इसमें है कि इसमें सूखा नहीं आपको चलाना है, इसमें हम ऑयल मिक्स करेंगे, ये तारपिन तेल, ठीक है, इसको हम पतला करेंगे ताकि जो ब्रश है ना आसानी से इसमें चल सके, ठीक है। सभी लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा। ये देखिए अभी हम इसमें ये मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, आप इसमें अपनी पसंद से डार्क ब्लू, डार्क रेड, येलो कलर, जो चाहे कलर आप वो दे सकते हैं। तो हम इसमें ये कलर हम इसकी बैकग्राउंड में दे रहे हैं, ठीक है, ये वाला इच्छा हुई है कि हम यही दें, वो अक्सर लोग डार्क देते हैं, डार्क कलर। अब यह है कि इसके पत्ते में कौन कौन से जो कलर वो देना है, अब इसको आप जब आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो अभी हम इसका बैकग्राउंड भी करेंगे और इसके ऊपर जो हम जो पत्ते हैं वो भी आपको करके दिखाएंगे, ठीक है। वीडियो को प्लीज करके शेयर कीजिएगा। ये देखिए ये हमारा अब ये जो कलर है ये तैयार है, ठीक है, और इसको कोशिश आप कीजिएगा कि छोटे से पॉट में इसको डालें। ये तो हमने आपको दिखाने के लिए इसमें डाल दिया था, तो हम इसको
इसी में ही डालेंगे। इसमें थोड़ा सा ये फैल गया है ना सर। कौन सा ऑयल लेना है आप? इसमें ये तारपीन तेल डाल सकते हैं, तारपीन तेल अगर नहीं है तो मिट्टी तेल आप डाल सकते हैं, लेकिन लिंसीड ऑयल अगर रिलीफ में अगर कर रहे हैं तो उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। लिंसीड ऑयल जब कोई आदमी पेंटिंग बनाता है, मॉडर्न आर्ट, अब्स्ट्रैक्ट, पोर्ट्रेट, तो उसमें शाइनिंग लाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है, इसमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर में ये डाल दिया है। हाँ, कलर लेना है रोसेना और ब्रेंट अम्बर। हाँ, ये हमने मिक्स करके ये बनाया है। अब आप देखेंगे कि मैंने ये पहले आपको थोड़ा सा जूम करके हम दिखा देते हैं। ठीक है ना, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब तरपिन तेल नहीं है तो आपको हम एक और आइडिया आपको बताते हैं। वैसे मैंने एक जगह यूज किया था, डीजल जो होता है, डीजल उसके अंदर में अगर आप नमक डालेंगे तो तारपीन तेल का रूप ले लेता है, ठीक है, वो तारपीन तेल का रूप ले लेता है। हमने इमरजेंसी में कहीं पे इसका मैंने इस्तेमाल वैसे किया था, लेकिन जो डीजल का जो स्मेल है ना कुछ ज़्यादा ही रहता है, तो ये बातें हैं, ये आपको वैसे मैंने बताया है, ठीक है। वैसे खुद से कोशिश कीजिएगा कि आप वही ले तो ज़्यादा अच्छा है। तो आप देखेंगे कि इसको हम बैकग्राउंड को हम इसमें कर रहे हैं, ये पत्ते उत्ते को छोड़कर, वीडियो को सभी लोग शेयर कीजिएगा। ये देखिए इसमें हम जो ये जो कलर हम जो दे रहे हैं लाइट कलर, ठीक है, इसलिए क्योंकि अगर इसमें हम डार्क को देंगे ना तो इसको जो ऊपर जो चढ़ गया है इसके ऊपर उसको साफ करने में दिक्कत हो जाता है। वो मैंने आपको दिखाने के लिए वैसे आपको मैंने बता दिया था, और आपके लिए एक और हम आपको पेंटिंग आपको दिखा रहे हैं जो मैंने अभी बनाया है, म्यूरल में है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं मेरे पास ये है बुद्धा भगवान, ये म्यूरल में है, ठीक है। इसकी अभी वर्क अभी बाकी है, इसकी कलरिंग अभी टेक्सचर पे हम ऐसा कुछ इसमें देंगे जो ज़्यादा अच्छा लगेगा। इनका ये हर चीज़ उभरा हुआ है, हर चीज़। और आपको बताना चाहेंगे कि मैंने इसको प्लाई पे बनाया है, ठीक है, ये है प्लाई है, इसके ऊपर हमने इम्बोज करके, और ये कितना इम्बोज है आप देख सकते हैं, ये बनाया है। तो इसकी जो कलरिंग है ये भी हम आपके सामने आपको करके आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो इसको भी करने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी ये इसको जल्दी ही हम आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए अभी हम ये पेंटिंग आपको बताते हैं। और मिट्टी तेल का मतलब रॉक, इसको बोलते हैं किरोसिन तेल भी बोलते हैं, ठीक है, देहाती भाषा में इसको मिट्टी तेल वैसे बोलते हैं। सर आप बताइए कि म्यूरल और रिलीफ आर्ट में क्या डिफरेंस है? ओके, गुड सवाल, ठीक है। अभी इसका आंसर हम आपको देते हैं कि ये म्यूरल और रिलीफ में क्या अंतर है, ठीक है। अभी अच्छा वैसे क्वेश्चन आप किए हैं, क्योंकि लोगों को इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं है, ठीक है। लोग जो रिलीफ पेंटिंग है उसको भी म्यूरल बोल देते हैं, ठीक है। तो हम तो यही चाहेंगे कि हमारे जो भारत के जो भी आर्ट है उसका नाम को लेकर हर किसी को नॉलेज हो, उसको पता हो,
कि ये आखिर है क्या, है ना। तो रिलीफ पेंटिंग आपको बोल रहे हैं कि ये होता है, ये भी उभरा हुआ है, ये है। लेकिन जो जो म्यूरल होता है, जो म्यूरल होता है वो दीवार के ऊपर, पत्थर के ऊपर ये कार्विंग करके उसको उसको काट कर, ठीक है, उसको बनाया जाता है। ओके, ये नहीं कि उसको हाथ पैर इम्बोज कर दिया, उंगली इम्बोज नहीं है, फेस इम्बोज नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए लोग करते क्या है कि फेस को बराबर रख देंगे और उसके ऊपर आँख नाक ये सब जो कान है जो भी है वो रंगों से बना देते हैं। तो वो जो है म्यूरल नहीं है, वो रिलीफ पेंटिंग है। म्यूरल का मतलब है आप देखे होंगे जो एलोरा की जो गुफा है और वो है खजुराहो टेम्पल है, उसके जो दीवार पे जो बहुत कुछ जो आर्ट बनाए गए हैं वो सब म्यूरल है, ठीक है। जो म्यूरल है, हाँ, जो म्यूरल है वो मूर्ति का ही पार्ट होता है, स्कल्प्टर का ही एक वो पार्ट है, अंश है। और ये जो रिलीफ पेंटिंग है ये म्यूरल का अंश है, ठीक है। तो जो म्यूरल पेंटिंग में हाथ से लेके उंगली, उंगली से लेके पैर आंख सब इम्बोज होता है, उसको बोलते हैं म्यूरल पेंटिंग। अब अगर कहीं कहीं पे इम्बोज है, कहीं कम कहीं ज्यादा, तो उसको बोलते हैं रिलीफ पेंटिंग। तो अभी हम जो कर रहे हैं ये रिलीफ पेंटिंग है वो, लेकिन लोग भारत में इसको म्यूरल भी बोल देते हैं, जो ठीक नहीं है। हम इसलिए ये बातें आपको बता रहे हैं वो क्योंकि लोगों को जानकारी होनी चाहिए इस आर्ट को लेकर। अगर जानकारी रहेगा तो ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। आर्ट वो भी है, ये भी है वो, लेकिन जो नाम है, नाम आदमी को बिगाड़ना नहीं चाहिए, जो नाम है वही रखना चाहिए। सर क्या है म्यूरल पेंटिंग ज़्यादातर भगवानों की बनती है बस? नहीं, ऐसा नहीं है कि भगवान का ही बनाया जाए। हाँ, लोग क्या, ये हमारा देश ही धार्मिक है, ठीक है ना। सर हम सर इस कलर को और गीला करके शेडिंग दे सकते हैं, है? और गीला करके और ऑयल डाल के इसमें? नहीं नहीं, इतना इसमें ऑयल आप डालिए कि आप जितना डार्क चाहते हैं उतना भी आसानी से हो जाए और जल्दी भी हो जाए। वीडियो को कृपया करके आप लोग शेयर कीजिएगा प्लीज करके, ये सभी से निवेदन है। आप लोग की इच्छा थी कि आज इसको हम कलरिंग करें, ठीक है, तो ये हम कलरिंग करने के लिए आपके पास आ गए। इसको आज ही मैंने इसको आउटवर्क हमने निपटाया था और सोचा था कि मैं आपके लिए मैं आ जाऊं। तो इसकी कलरिंग को लेकर जो अभी आए हैं हमारे लाइव पे, आज आप म्यूरल आर्ट सिखाइएगा? ज़रूर ज़रूर, आने वाला टाइम में हम आपको हर आर्ट्स सिखाएंगे। अभी दिक्कत ये है कि मैं इसके लिए हामी भर दूं और मटेरियल आपके पास ना हो तो ये अच्छा नहीं लगता है, है ना। हम ये आपको नहीं बोलेंगे कि हम आपको ये आपसे पैसे ले लिए और माल आप तक ये पहुंचा नहीं, तो ये सब दिक्कत वाली बात हो जाएगी। जब इसके लिए होगा तो हम आप लोग को इन्फॉर्म भी करेंगे। हर आर्ट के लिए हम आपको बोल रहे हैं कि आपको दुनिया के जितने भी आर्ट होते हैं, रियलिस्टिक वर्क, अच्छे ढंग से, आधा अधूरा नहीं, और जो भी हम आपको जो ड्राइंग हम आपको देंगे दिखाएंगे वो हमारा अपना होगा। इसीलिए मैंने ये ड्राइंग मैंने अपना बनाया है, नकल नहीं है कि ये कोई बोल दे कि हमारा है वो, क्योंकि लोग हमारे वर्क को लेकर। सर नीलेश जी कह रहे हैं कि आप उन्हें म्यूरल पेंटिंग के बारे में रियल मतलब डेफिनेशन बता दीजिए थोड़ी। एक मिनट उठाना पड़ेगा।
ये आप देख सकते हैं। अब जब म्यूरल की बात आप बोल रहे हैं तो जो आधा जो निकला होता है आधा, और आधा में ही वो मूर्ति की तरह दिखाई दे, और अक्सर जो है म्यूरल है जो दीवार पे ही बनाया जाता है, पत्थर के ऊपर बनाया जाता है कार्विंग करके, ठीक है, उसको म्यूरल बोलते हैं। अगर यही पेंटिंग अगर पूरा आ गया तो वो हो गया स्टेचू, ठीक है। तो ये म्यूरल में बॉडी के हर एक पार्ट को इम्बॉज किया जाता है। इस बात का ध्यान रखें कि अगर म्यूरल अगर आप सीख रहे हैं या आपको जानकारी नहीं है तो याद आप कर लीजिए कि म्यूरल में नाक से लेकर आंख तक, होंठ तक, हर चीज उभरा रहेगा, ठीक है, उसको म्यूरल बोलते हैं। लेकिन लोग अभी यह भी करते हैं कहा कि ये सब इम्बॉज कर देंगे और फेस को प्लेन कर देंगे, ठीक है, और उसके ऊपर ये पेंट से आंख बना देंगे, तो वो म्यूरल नहीं है, वो उसको बोलेंगे रिलीफ वर्क बोलेंगे। रिलीफ में ऐसे लोग बहुत से करते हैं, इसलिए करते हैं वो क्योंकि उनको फेस बनाने में दिक्कत आती है। फेस ही एक ऐसा बात है जो हर एक आर्टिस्ट नहीं बना सकता है, जो अच्छा वर्क जानता है वो कर सकता है, बाकी जो जो नए हैं वो भी अगर वो मेहनत करे तो वो कर सकते हैं। एक मिनट हमारा थोड़ा जो कैमरा है हो गया फ्रंट में, तो कृपया करके इसको हम थोड़ा सा बैक में इसको हम कर दिए, ठीक है, गलती से हो गया था, ठीक है। तो हम आपको बता रहे हैं तो इसमें ये है म्यूरल की बात है, लॉर्ड बुद्धा है, लॉर्ड बुद्धा आप इसमें देख सकते हैं कि इनका आंख नाक हर चीज दिखाई दे रहा है, और वो भी अच्छे ढंग से, ये देख सकते हैं नाक के अंदर होल भी है, हर चीज है ना, ये देखिए अभी इसमें वर्क अभी बाकी है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं म्यूरल पेंटिंग। जो रिलीफ पेंटिंग है वो अपना ये है, इसको रिलीफ बोलते हैं, इसमें हल्का सा इम्बोज रहता है। लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं क्या कि रिलीफ को इसमें हाथ पैर ये सब कुछ बना दिए, हाथ है उसको कलर से हाथ दिखा देंगे, जो फेस है उसको उसको प्लेन कर देंगे और उसको पेंट से बना देंगे, है ना, तो वो रिलीफ पेंटिंग हुआ, म्यूरल उसको नहीं बोलेंगे। इस बात का याद रखें कि उसको म्यूरल नहीं बोलेंगे। म्यूरल में बॉडी के हर पार्ट को इम्बोज किया जाता है, चाहे कम हो या ज्यादा हो, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं ये रिलीफ है वो, लेकिन अक्सर जो रिलीफ वर्क जो करते हैं, जो वो फेस वाला काम करते हैं, तो वो उनको थोड़ा सा दिक्कत होता है फेस की बनावट करने में, तो वो फिर उसमें वैसे ही उसको प्लेन कर देते हैं और उस पर कलर करके वो काम ओके कर देते हैं, क्योंकि उनसे फेस बन नहीं पाता है वो, क्योंकि बन उसको बनाने के लिए एक आर्टिस्टिक माइंड तो चाहिए उसको, ठीक है ना। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो अगर वो अच्छी तरह से अगर वो मेहनत अगर वो कर दे तो वो भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है वो, लेकिन वो ऊपर से ऊपर ही अपना काम अपना कर देते हैं और उनका काम हो जाता है। इसको थोड़ा सा नज़दीक आप कर देते हैं, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और कोई इसी रिलीफ पेंटिंग से अगर आपको सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, रिलीफ पेंटिंग से ही, ओनली रिलीफ पेंटिंग से, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हम वर्क और कुछ करते हैं और आपके ऐसे सवाल आ जाते हैं जो हमको थोड़ा सा माइंड है डाइवर्ट हो जाता है बताने में, इसलिए आप रिलीफ पेंटिंग से ही जो आपको जो सवाल लगता है हमसे आप पूछिए। याद रहे कि इसको करने के लिए ये देखिए, और हम आपको नज़दीक ला के दिखाते हैं, ये जो है यहाँ पे है ना, ये जो पार्ट को भी आपको थोड़ा सा वाइट दिखना नहीं चाहिए, इसका आपको खासा ध्यान देना है, क्योंकि अगर इसको अगर छोड़ देंगे ना तो वो ये पेंटिंग बनने के बाद साइड में ये हल्का सा लाइट दिखता है,
तो इसको आपको करना है, ठीक है ना। ये बैकग्राउंड का जो एम्बोज है, तो ये आप देख सकते हैं। ये वीडियो को शेयर कीजिएगा। हाँ, एक्रिलिक पेंटिंग में एक्रिलिक भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अलग टेक्निक है, आने वाला टाइम में वो भी हम आपको बताएंगे। ये ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं है कि रिलीफ भी इस पर हो सकता है, और रिलीफ से अच्छा कलरिंग भी होगा। ये भी हम आपको बता रहे हैं कि रिलीफ से आप अच्छा कलरिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत इसकी कलरिंग मैंने किया है, जो बात है मैं आपको बोल रहा हूँ वो। लेकिन ज़्यादातर मैं पेंटिंग ऑयल कलर से ही करता हूँ। तो आप ये देखेंगे कि ये हमारा ये वाला पार्ट है ना, लगभग मैं ये बैकग्राउंड का हो रहा है। वीडियो को सभी लोग शेयर कीजिएगा। और वो जो बुद्धा मैं बना रहा हूँ, बुद्धा को हम आपके सामने कलरिंग करेंगे और वो काफ़ी अच्छा होगा। तो इसलिए रिलीफ पेंटिंग और जो म्यूरल पेंटिंग है उसके बारे में आपको जानकारी हो गई कि आखिर होता है क्या। लेकिन बहुत से लोग हैं जो रिलीफ पेंटिंग को म्यूरल बोल देते हैं, जो ठीक नहीं है, ठीक है। हाँ, इसको पर्शियन आर्ट इसलिए बोलते हैं, इसको पर्शियन आर्ट इसलिए बोलते हैं, पर्शियन का मतलब हुआ है ईरानी चित्रकला, ठीक है। इसकी जो भी डिजाइन है ना, ईरानी चित्रकला से काफ़ी मैच खाता है, इसलिए इसको पर्शियन आर्ट भी बोलते हैं, ठीक है। उसकी वजह यही है कि ये ईरानी चित्रकला से काफ़ी मैच खाता है। स्टार्टिंग से बुद्धा के लिए आप जो बुद्धा का हमने फर्स्ट जो किया था वो, फिर जो सेकंड है वो भी है, हमने बुद्धा को हमने कार्विंग करके बनाया है, ठीक है। और इसको सीखने के लिए आपको, अगर बुद्धा अगर सीखना है म्यूरल में, तो उसके लिए इसमें टाइम लगता है और इसको समझना पड़ता है। वैसे आप बना सकते हैं। और सर, आप थोड़ा सा ब्रश के बारे में बता सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये जो ब्रश है हॉग हेयर है जो रिलीफ पेंटिंग में इस्तेमाल किया जाता है, ऑयल पेंटिंग में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, एक्रिलिक में करते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात और बताना चाहेंगे कि इससे आप पोर्ट्रेट नहीं बना सकते हैं, इस ब्रश से पोर्ट्रेट नहीं बनेगा, ठीक है। हॉग हेयर से पोर्ट्रेट बन ही नहीं सकता है। हाँ, अगर चालू काम करना है तो आप वैसे बना सकते हैं, लेकिन पोर्ट्रेट इससे अगर बारीक काम करना है अच्छा वाला, तो उसके लिए सॉफ्ट हेयर जरूरी है। तो आपके व्यूअर्स को लग रहा है कि आप पेंटिंग थोड़ी हार्ड लेकर बैठ गए हैं। ये पेंटिंग नहीं, आसान तो है ये। अब ये 4 दिन में ये पेंटिंग हम आपको कंप्लीट आपको करके दे रहे हैं, मामूली बात है। इसमें तो महीनों टाइम लग जाता है, ठीक है ना। यही एक ऐसा वर्क है कि अगर इसमें ज़्यादा अगर इसमें वर्क अगर किया गया काम, तो आदमी का काम करते करते हालत खराब हो जाता है। इतने लाइन, इतने कोण, इतने फीलिंग, ठीक है। वीडियो को सभी लोग शेयर कीजिएगा। आने वाला टाइम में हम आपके लिए बालाजी, श्रीनाथ जी, जो भी है मार्बल आर्ट, ये सब लेकर आएंगे सब। और अब हमने सोचा है का कि जो भी हम लेकर आएंगे, पार्ट 1, 2, 3, 4 जितना लगे उसको कंप्लीट करेंगे आपके सामने, ताकि आपको सिर्फ फ्लावर्स और ये पत्तों के कलरिंग बता देंगे प्लीज। ओके, एक एग्जांपल दिखा दीजिए। एग्जांपल आपको दिखा देते हैं। तो ये मैंने ये किया है, अब इसको करना है कि आपको, अब जैसे आपने ये कर लिया तो आपको छोटे छोटे जो कपड़े के जो टुकड़े हैं
वो आपको रखना है छोटे छोटे, देख सकते हैं छोटे 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 आपके, है ना, जो जो सूती का हो, ठीक है, जो सूती का हो। वीडियो को सभी लोग शेयर कीजिएगा। अब हम क्या करेंगे कि जहाँ पे देखेंगे कि ज़्यादा पेंट लग गया है ना, तो उसको थोड़ा सा हम इसको रब करेंगे, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। इससे क्या कि ये जो हमारा जो टेक्सचर है ना सर, क्या इसमें स्टूडेंट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, अगर वो नहीं है तो आप बना सकते हैं स्टूडेंट ऑयल कलर, अगर वो नहीं है तो आप वो कर सकते हैं। स्टूडेंट अच्छा होता है, ऐसा बात नहीं है, नहीं है तो आप कर सकते हैं वो, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि आर्टिस्ट कलर मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आर्टिस्ट की जो है क्वालिटी है ना वो अच्छी होती है। तो हम आने वाले टाइम में हम यही हम सोचे हैं कि जो भी हम पेंटिंग आपको बना के दिखाएंगे, अगर उसमें टाइम लगता है तो उसमें पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री जो भी लगेगा उसमें हम आपको बना के दिखाएंगे। उससे क्या होगा कि आप सर, आप बुद्धा बनाना कब सिखाएंगे? बुद्धा बनाना कब सिखाएंगे? पहले बुद्धा का कलरिंग होने दीजिए और अपने पेज पे इनको लगाने दीजिए, रिव्यू उसका कैसा आता है उसके हिसाब से फिर हम आपको आपको बताएंगे। और आने वाला टाइम में मिरर आर्ट भी लेकर आएंगे, मिरर के ऊपर इसको अगर करना है अच्छा ढंग से तो उसको कैसे करेंगे, वो जो ड्राइंग होगी बिल्कुल अलग ड्राइंग होगी, ठीक है, जो आपको मार्केट में वैसा ड्राइंग किसी के पास आपको कहीं नहीं मिलेगा, उसको मैं जल्दी ही बनाने वाला हूँ। और आप लोग हमको इतना पसंद कर रहे हैं कि अब तो हमको लाइव आने का बार बार मन कर रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि इस पे हमने ये कलरिंग मैंने कर दिया है, ठीक है सर। सर पेंटिंग बनने के बाद इसकी आप फोटो सेंड कर दोगे इसकी? जी, वो सब आपके व्यूअर्स ही बनाएंगे ना घर में। अच्छा ओके, मैं हैंग कर दूंगा, आप लोग बना लीजिएगा देखकर, दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर हमारा ड्राइंग आप लोग के अगर काम आ जाता है तो हमारे लिए बड़ी बात है, ठीक है। जब हम आपके लिए ऑनलाइन आके आपको एक एक बातें हम बता रहे हैं तो ये जो ड्राइंग ये मायने नहीं रखता है, ठीक है। याद रहे कि इसके साइड में छूटना नहीं चाहिए, ये देखिए इसके जो ये जो है साइड में है ये छूटना नहीं चाहिए, पेंटिंग को तिरछा करके साइड करके आप इसको कर सकते हैं। जो नए आए हैं हमारी इस वीडियो को फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट वो देख सकते हैं, उसमें पूरी जानकारी है, ए टू जेड हर चीज़ बताया गया है, ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये हमने इसमें कर दिया, अब हम करते हैं इसमें कलरिंग पत्ते में, ठीक है। तो इसके लिए आप वही ब्रश भी इस्तेमाल कर सकते हैं धोकर, या आप अगर आपके पास से नया ब्रश है तो वो भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसके लिए हम यही ब्रश हम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमको पत्ता बनाना है, ठीक है। और पत्ता हम जो बनाएंगे तो ये हमारे पास जो ये जो प्लेट है इसी के ऊपर हम जो कलर है हम डाल लेंगे। आप इसमें जो कलर आप करेंगे आप अपने चॉइस से इसमें जैसा करना चाहते हैं वैसा कर सकते हैं कि इसमें कलर हम कौन सा लें। तो हम इसमें जो कलर हम ले रहे हैं आपको बता रहे हैं सर, क्या हम सेम पेंटिंग स्टेंसिल से बना सकते हैं? शेप ग्रीन, शेप ग्रीन है, ठीक है सर। तो क्या आप सेम पेंटिंग स्टेंसिल से बना सकते हैं? स्टेंसिल से ये नहीं बनेगा, ये स्टेंसिल से नहीं बनेगा, स्टेंसिल वाला अलग होता है। तो आप अब हमने क्या किया, इसी को थोड़ा सा इसमें राव अंबर या येलो ओकर मिक्स करके इसमें ऐसा कुछ इसमें कर सकते हैं, ठीक है। येलो भी हल्का आप डाल सकते हैं, दिक्कत नहीं है।
वो, लेकिन इसमें थोड़ा सा येलो होकर इसकी वेरिएशन के लिए हम डालेंगे ताकि दिक्कत ना हो। ये डालने के बाद हम इसमें फिर से ऑयल डालेंगे थोड़ा सा, इसको पतला करेंगे। ब्रश कैसे साफ करेंगे हम? ब्रश साफ कैसे करेंगे? इसको तारपीन तेल में आप साफ करेंगे। ये आप देखिए, ये हमने इसमें डाल दिया ये, ठीक है ना? ये आप देखिए, ये हमने हल्का सा बनाया। अब देखिए, अब हम जो पत्ते हैं उसमें हम डालेंगे, ये देखिए, इस पे बस आपको डाल देना है, जो कलर है लगा देना है। सर क्या आप ये वीडियो को पोस्ट करेंगे? हाँ हाँ, ये लाइव चल रहा है, ये वीडियो आपको हमारे फेसबुक पे आपको दिख जाएगा, और हमारी जो वीडियो है डिलीट नहीं होती है, जो है आपको दिख जाएगा। ऐसा नहीं है कि अभी आपके सामने मैंने बनाया और डिलीट कर दिया। हाँ, 1% गलती से डिलीट हो जाए अलग बात है, अपलोड होने के बाद ये डिलीट नहीं होगी, ठीक है? अब तक डिलीट नहीं हुई है तो ये भी नहीं होगी, ठीक है? तो इसके लिए आप निफिक्र रहिए, और हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको आप जितना जल्दी हो सके सब्सक्राइब आप कर लीजिए, क्योंकि आने वाला टाइम में जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा मैं आपको यूट्यूब पे ज़्यादा दिखाई हम आपको देंगे, यूट्यूब पे हमारे वीडियो आपको ज़्यादा दिखाई देंगे। ये देखिए, ये हमारा पत्ते हैं जो ये बन रहे हैं। अभी इसकी जो डंडी है और एक एक फ्लावर भी आपको करके हम आपको दिखाएंगे, ठीक है? और आप लोग हमारी ये वीडियो को इतना चाव से देखते हैं, ये हमारे लिए एक गर्व की बात है कि इतने कम टाइम में आप लोग इतने हमसे जुड़ चुके हैं, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। वीडियो को प्लीज करके शेयर कीजिएगा। अगर आपको अच्छे क्वालिटी का वर्क सीखना है, बढ़िया क्वालिटी का, तो आप हमसे संपर्क आप साध सकते हैं, क्योंकि मैं जो भी बताऊंगा रियल बातें बताऊंगा, अच्छी तरह से आपको गाइड करूंगा। ये नहीं कि आपको हम 2 क्लास देंगे 4 क्लास देंगे, ऐसा नहीं, कम से कम 10 क्लासेज होगी हमारी किसी भी पेंटिंग की, कम से कम। वो क्योंकि आर्टिस्ट बनने के लिए, अच्छा वर्क सीखने के लिए 1-2 क्लास में आदमी सीख नहीं सकता है। जब तक आप अच्छी तरह से उसको सीखे नहीं तो आप सीख ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए हमारा मानना है 10 क्लास तो आप हमसे सीखिए या कहीं और भी सीखिए, ऐसा नहीं है, ठीक है? अगर आप कहीं पे ऑनलाइन अगर क्लासेज लेते हैं तो ज़्यादा क्लासेज लीजिए, और उससे आपको फायदा होगा। वो क्योंकि आर्टिस्ट को आपको पता है कि आधा घंटा तो मूड बनाने में लग जाता है, ठीक है? आधा घंटा ही टाइम लगेगा। ये देखिए, अब हमने इसको थोड़ा देर इसको सूखने देना है, इसको थोड़ा देर हमने जो इस पे कलर जो लगाया है, हर लीफ एक ही शेड में बनेगी? नहीं, अलग अलग ही शेड बनेगा, वो हम आपको बताएंगे वो। लेकिन उसके लिए जो ये पत्ते हैं, थोड़ा सा ये इसमें जो ऑयल लग गया है थोड़ा ये सूखेगा, ठीक है? अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसके जो डंडी ये आ रही है ना, इस पे बर्न टम्बर हम डालेंगे, बर्न टम्बर, ठीक है? याद कर लीजिए कि जब भी आपको अगर ऐसी टहनी पे अगर कलर डालना है तो बर्न टम्बर, ठीक है, डालना है। तो जो बर्न टम्बर है हमारे पास वो हम आपको अभी डालेंगे। कहाँ गया?
अब हम क्या करते हैं, इसी में थोड़ा सा ये देखिए, ये बन टम्बर ही है, ये बन टम्बर ही है। ओके, अब इसमें हमने ये लिया, ये देखिए, ये हमने थोड़ा सा इसको लिया, ये हमने ये लिया, ठीक है ना, ये बर्न टम्बर को, और जो जो ग्रीन है ना उसको थोड़ा सा हम सूखने को दिए हैं, इसलिए क्योंकि वो थोड़ा सा उसका जो आयल है तो आप ये देखेंगे, ये ठीक है, ये हमने किया ये। अब देखिए, अब ये जो ग्रीन है इसको थोड़ा थोड़ा हल्के हाथों से आपको इसको पोंछ देना है, ये हालांकि आपको थोड़ा देर आधा घंटा वेट आपको करना है, ठीक है, उससे क्या है कि वो अच्छी तरह से अंदर में थोड़ा सा जो कलर है ना वो सोख लेता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। वीडियो को सभी लोग शेयर कीजिएगा। सर आप कलर्स के ब्रांड के नाम बता दीजिए। कलर्स के ब्रांड नहीं, ये ब्रांड तो इसके बहुत सारे हैं ऑयल कलर का, इसमें विंसर का ये सबसे महंगा आता है, जो इंडियन नहीं है, बाहर की कंपनी है, उसको भी आप इस्तेमाल आप कर सकते हैं, बाकी आपके पास भारतीय कंपनी है ही है ऑयल कलर में, भारतीय कंपनी का नाम है केमल, आप देखेंगे ये है कैमलिन, ठीक है ना, ये है केमल, ठीक है, याद कर लेना। अब बाकी अगर आप चाहें तो विंसर बाहर की कंपनी है, इससे उसकी क्वालिटी में अंतर है और वो काफ़ी महंगा आता है, अगर ये एक ट्यूब अगर 100 का आएगा तो वो आएगा 400 रुपये का, सेम वजन का, ठीक है, तो इसलिए तो इसमें ऐसा कुछ मायने नहीं रखता है, आप ये वाला कलर इस्तेमाल आप कर सकते हैं, अच्छा होता है ये, क्योंकि जितने भी इंडियन आर्टिस्ट हैं लगभग मैं यही इस्तेमाल करते हैं, मैं भी करता हूँ वो, लेकिन कभी होता है क्या कि रिक्वायरमेंट होता है मुझे इस कलर से पेंटिंग चाहिए, ठीक है, तो मजबूरी में उनको वो देना पड़ता है ऑर्डर पे। अब याद रहे इसके जो ब्राउन वाला में है हल्का सा आग, ठीक है, तो आप ये देखेंगे, अब इसमें अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन में वेरिएशन दे, है ना, तो वेरिएशन के लिए आप हल्का सा ये जो कलर है येलो का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर अगर ज़्यादा ब्राइट चाहिए तो ये, आ नहीं तो येलो कर, तो हम इसमें येलो कर का इस्तेमाल थोड़ा सा इसमें करेंगे, ठीक है, एक साइड से इसकी कलरिंग करना है, और वो कलरिंग करने के बाद फिर हम उसको रब करेंगे, ये फिर हम रब करेंगे, ठीक है ना, आज हम फर्स्ट बार आप लोग के सामने बैंक कितने का आता है, अलग अलग आता है, ये आपको बोल रहे हैं कि ये वाला सबसे बड़ा साइज है, 120 ml का आता है, ये आप देख सकते हैं, तो ये अब ये और बढ़ गया है दाम, और इससे इससे छोटा वाला ये आता है,
60 ml, इससे छोटा छोटा 60 ml, और इससे भी जो छोटा आता है वो 20 ml का आता है जो मेरे पास अभी नहीं है, और उससे भी छोटा आता है 10 ml का आता है। ठीक है, तो आर्टिस्ट लोग तो खैर जो बड़े वाले जो जो ट्यूब है उसका इस्तेमाल करते हैं वो, क्योंकि उसमें फ़ायदा होता है, वो छोटे वाले में तो वन टाइम यूज के लिए है कि एक बार यूज कीजिए और उसको ख़त्म कर दीजिए, लेकिन हमको तो यहाँ पर रोज़ इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो इसको हम जो बड़ा वाला ही ट्यूब हम इस्तेमाल हम करते हैं। तो हर पत्ता में आपको अलग से दूसरा जो कलर है इससे लाइट या डार्क आपको लगाना है। हाँ, इसमें एक और कलर आता है कि अगर आप उसमें इसमें ये ज़्यादा ब्राइटनेस अगर नहीं चाहते हैं तो एक और ग्रीन आता है, टेरी वाटर ग्रीन। ठीक है, याद कर लें, ये टेरी वाटर ग्रीन। ठीक है, उसमें सेफ ग्रीन आप लगाकर यूज कर सकते हैं, यानी कहने का मतलब है कि पत्ता आप अपने टेस्ट के हिसाब से बना सकते हैं। आपको अगर लाइट चाहिए तो लाइट दे दीजिए, अगर डार्क चाहिए तो डार्क दीजिए, है ना। अब ये लगाने के बाद आपको फिर इसको रब करना है। ये देखिए सर, आपके व्यूअर्स आपसे कुछ पूछ रहे हैं कि गोल्ड फॉइल का एक सिंगल फॉइल 400 रुपए का आता है। गोल्ड फॉइल का सिंगल फॉइल 400 रुपए का, पूरी फॉइल 2500 की, पहले 2500 की आती थी, अब वो महंगा हो गया है। ये जैसे ही गोल्ड का दाम बढ़ा है उसका भी दाम ही बढ़ गया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो गोल्ड फॉइल है, हम 1.5 साल पहले ज़्यादा लेके आए थे तो हमको 2800 का पड़ा था, और अभी सकते हैं क्योंकि इसका जो रेट है, जैसे जैसे गोल्ड का रेट बढ़ता है इसका भी रेट बढ़ जाता है। ठीक है, तो अभी हमको जहां तक लग रहा है कि ये 4000 के आसपास का एक गोल्ड फॉइल आ रहा होगा, जहां तक हमको लग रहा है। इसमें भी एक छोटा साइज आता है, एक बड़ा साइज आता है। ठीक है, जो ये सवाल किए हैं, नेक्स्ट टाइम आप हमारे लाइव पर आएंगे तो आपके लिए जो गोल्ड फॉइल मेरे पास रखा हुआ है वो हम रखे रहेंगे, उसका साइज का भी हम आपको बताएंगे कि उसका साइज होता क्या है। ठीक है, हाँ, ये कि एक पत्ता जो है वो 400 का नहीं आता है, क्योंकि अगर उसमें 20 पेज हुए या 25 पेज हुए तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए कि अगर वो 4000 का आया है। सर, आपने सिर्फ बेस ब्राउन कलर दिया, ब्राउन कौन सी ब्रांड का है, कौन सा ब्रांड? जो आपने बेस लिए ब्राउन किया ना अभी, हाँ, वो ब्राउन कलर कौन सी ब्रांड का है? ये ब्रांड है, ये भी वही कंपनी है, हम जो भी कलर यूज कर रहे हैं अभी एक ही कंपनी का यूज हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है राव सेना में हमने ब्राउन टम्बर हमने डाला है। ठीक है, वो क्योंकि इसकी जो कलरिंग है उसे मुझे अपने हिसाब से इसको बनाना है, और बाकी आप चाहे तो अपने हिसाब से आपको वो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। वैसे हमको जो कलर है ना डल कलर में ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए हम इसमें डल कलर ही लगा रहे हैं, और हमको जहाँ तक लगता है कि ये जितने भी अच्छे आर्टिस्ट हैं उनको डल जो डल कलर है ना वो काफ़ी अच्छा लगता है उनको। हमने उन लोगों का ऐसा टेस्ट देखा है, ये नहीं कि डायरेक्ट उसको पीला लगा दिया, लाल लगा दिया, एकदम पीला हरा लाल वो दिख रहा है, वो अच्छा नहीं होता है। उसमें ये लगता है कि ये किसी बच्चा ने पेंटिंग बनाया है, तो इसलिए हम जो है डल कलर का ज़्यादा यूज हम करते हैं। अब ये हमारा भी पत्ता भी कंप्लीट वैसे नहीं हुआ है, लेकिन इसका जो आगे का जो प्रोसेसर है वो हम आपको बता देते हैं। ठीक है, अब ये पत्ता है जो इसमें हमने ऑयल लेंगे, फिर से वही वाला ऑयल। ठीक है सर, जो लीफ के कोने में देखोगे हल्के से व्हाइट दिख रहा है, तो वो कैसे ठीक होगा? हाँ, तो
वही तो मैंने आपको इससे पहले मैंने बताया है कि ये आपको पीछे से ये साइड वाला आपको अच्छी तरह से पेंट करना है। तो ये तो हम आपको जल्दी जल्दी में आपको करके हम बता रहे हैं, है ना। वो अभी हम आपको बताए थे कि इसके जो पीछे वाला जो साइड है वो छुपना चाहिए, ये ठीक है ना। तो वो आपको अच्छे ढंग से करना है। अब हम पीछे का ही वो करने लगेंगे तो इसी में टाइम हमारा खत्म हो जाएगा। सर, क्या हम इसमें वाटर कलर इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं। अब ये देखिए, ये ऑयल है और ये हमारा है सूती कपड़ा है, ठीक है। तो इससे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको भिगाएंगे और इस पत्ते को थोड़ा थोड़ा, इसकी जो लाइन है लाइन को साफ करेंगे, लाइन को ऊपर का जो है हमने जो कोन वर्क किया है उसको साफ करेंगे। उससे क्या है कि इसका जो लाइन है जैसे ही ये वाइट हो जाएगा तो आपकी जो पेंटिंग है ना उसमें एक जान आ जाएगी। तो हम तो अक्सर यही करते हैं कि पूरे पेंटिंग में जो पत्ते हैं एक बार हमने उसमें ग्रीन लगा दिया, एक बार उसमें ब्राउन लगा दिया और एक बार इसकी रबिंग मैंने कर दिया। लेकिन आपको हमको बताना है इतना ही टाइम में, तो इसके लिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप अभी ही आपको बता देते हैं कि दिक्कत ना हो। और ये आसान है, आप आराम से कर सकते हैं इस पेंटिंग को, दिक्कत नहीं है। बस आपके पास जो है ड्राइंग होनी चाहिए, ठीक है। लोगों के पास इसकी जो ड्राइंग है ना वो एक टाइप की है, उसी को लेके वो लोग घूमते रहते हैं, मेरी ड्राइंग मेरी ड्राइंग मेरी ड्राइंग, बस हम बनाए हम बनाए हम बनाए, यही चलते रहता है। तो हमारा मानना है कि आप अपने से ड्राइंग बनाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आने वाला टाइम में हम एक से एक ड्राइंग लाने वाले हैं और आप लोग हमको इतना पसंद कर रहे हैं। ये देखिए, अब इसकी जो लाइन है अब वो चमक रही है ना। लाइन में अभी एक आ रहा है लाइन। अब यहाँ पे ये भी आता है कि अगर आपकी जो है ये कहीं पे ज्यादा आपने इसको जैसे ही आपने पोछा है तो ज्यादा रंग आ गया है ना, तो आप वो चाहते हैं कि नहीं ये ज़्यादा हो गया है, तो इसको थोड़ा सा आप इसको उसी कलर से जिस कलर का पत्ता का जो कलर था थोड़ा सा इसकी टचिंग कर सकते हैं। आप देखेंगे कि एकदम बिल्कुल अब ये अच्छा आ गया है, ये ठीक है ना, ये हल्का हल्का। अब हाथ ही है, कहीं कहीं पे वो ज़्यादा हो जाएगा कम हो जाएगा, ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं, इसकी जो डिटेलिंग है जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा पेंटिंग तब इसकी डिटेलिंग आपको दिखाई देगी कि हाँ ये बना है, ठीक है। और ये बनने के बाद काफ़ी ही अच्छा होने वाला है। और इसमें घबराने वाला बात नहीं है, अगर बैकग्राउंड में आपका कोई पेंट भी लग जाता है अलग से उसको आप साफ आसानी से कर सकते हैं। ये दूसरा कपड़ा लीजिए, बैकग्राउंड में जो लग गया है उसको उसको साफ करके, लेकिन उसके लिए बैकग्राउंड का जो कलर है लास्ट लास्ट तक बैकग्राउंड का जो कलर है आपको बचा के रखना है, ठीक है। लास्ट लास्ट तक जब तक आपकी पेंटिंग फिनिश नहीं हो जाती है आपको बैकग्राउंड का पेंट बचा के रखना है। इसलिए आपको रखना है कि बाई चांस अगर पेंट पत्ते का या फूल का बाहर आ गया तो उसको वहाँ से हटा के रब करके और वहाँ पे बैकग्राउंड जो है उसको आप टच कर सकते हैं। इसलिए बैकग्राउंड को वाला जो कलर है आपको रखना है। वीडियो को कृपया करके आप लोग शेयर कीजिएगा और यूट्यूब हमारे चैनल है उसको तो आप सब्सक्राइब तो आप तो कर ही लीजिए, क्योंकि बस लॉकडाउन जैसे ही खुलेगा दिल्ली में वैसे हम अपना जो भी है तामझाम लेके फिर बैठेंगे कि हमको अब स्टार्टिंग अब उसके लिए हम यूट्यूब के लिए पूरी डिटेलिंग में HD वीडियो आपको मिलेगा, पूरी वीडियो आपको मिलेगी। ये जैसे आपको यहाँ पे आपको मिल रहा है,
ये पत्ता हल्का सा वो हटाने से कलर इसमें एक अच्छा सा लुक आ जाता है, जो गेटअप है ना वो बहुत अच्छा आ जाता है। अब इस पेंटिंग को हमको को कल के डेट तक इसको कंप्लीट इसको करना ही करना है, अगर नहीं करेंगे तो इसका जो बैकग्राउंड जो है सूख जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, अनमैच ना हो जाए कलर, इसलिए इसको अब छेड़ दिए हैं तो इसको कंप्लीट इसको करना ही है, और नहीं करेंगे तो फिर ये पेंटिंग हमको बोलेंगे कि हमको यहीं पे छोड़ दिया है। अब इसमें हम पत्ता आपको नहीं, इसका जो फ्लावर है वो करके आपको दिखाते हैं एक, ठीक है। तो ये वाला जो फ्लावर है, एक मिनट, ये हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है ना, ये ओके। इसको हम बनाने के बाद हम आपको वैसे भी आपको दिखाएंगे, ठीक है ना। इसमें अगर हम डार्क अगर बैकग्राउंड देते ब्लू या मेहरून कलर तो ये और ज़्यादा उभर के आता। अब यहाँ पे दिक्कत ये हुआ कि मैंने ये पहले ही इसको फाइनल इसकी जो कोनिंग है, डिटेलिंग है, फीलिंग है, मैंने इसको पहले ही कर दिया, इसलिए हमको इसमें लाइट करना पड़ा, इसलिए क्योंकि अगर हम डार्क इसमें करेंगे तो डार्क जब करते हैं ना तो वो जो कलर है पत्ते के ऊपर आता है, डंडी के ऊपर आता है, तो उसको साफ करना मुश्किल हो जाता है, डार्क कलर है ना उस पर छोड़ देता है। तो जो आप अगर इस पर बैकग्राउंड पहले से अगर आप सोच रखे हैं कि नहीं हमको इसमें लाइट करना है या डार्क करना है, तो उसके लिए अभी हमने आपको तरीका बताया था। जो नए आए हैं उनको हम फिर से बता देते हैं कि आपको इस टाइप का एग्जाम्पल के तौर पे आपने ये लाइन किए पत्ते का, फूल का, ठीक है। करने के बाद इसकी बैकग्राउंड आपको करना है तो आपने इसका जो बैकग्राउंड आपको करना है ये देखिए, ये हमने पत्ते को छोड़ के, सर सबके व्यूअर्स बोल रहे हैं आप उन्हें होमवर्क कब दीजिएगा। होमवर्क अभी तो हम होमवर्क कर रहे हैं आप लोग के लिए, दिन में भी रात में भी होमवर्क हमारा हो रहा है। तो ये आप ये देख सकते हैं कि ये हमारा बैकग्राउंड इसमें हो रहा है। तो आप अपने पेंटिंग को पूरी ड्राइंग करने के बाद आउटलाइन कर लीजिए, और आउटलाइन करने के बाद इसकी जो है इसको फील करने से पहले इसमें आपको इसकी बैकग्राउंड आपको कर देना है, डार्क कीजिए या लाइट कीजिए। अब इस पर जो ऊपर आ गया है कलर, ठीक है, इसकी है ना ये ऊपर आ गया है, तो इसको थोड़ा सा हल्का सा इसको पोंछ के एक घंटा के बाद या दो घंटा के बाद इसको आराम से इस पर जो फील करना है उसको आप कर दीजिए। तो उससे क्या होगा कि बैकग्राउंड का काम जो ऐसे करने में आपको पूरे दिन लगेगा और ऐसे आपको एक घंटा में हो जाएगा, ठीक है। तो हम आपको दोनों तरीका हम आपको बता दिए हैं, अब आपको जो उचित लगे उसको आप कर सकते हैं। अब हम इसमें हम बना रहे हैं ये फूल, ठीक है। तो फूल के लिए आपके पास एक दूसरा ब्रश होना चाहिए, तो हम इस ब्रश को लाइट वाला इस ब्रश को हमने धो लिया, ठीक है, ये हमने धो लिया अच्छे ढंग से। अगर इसमें हल्का सा भी अगर इसमें कलर अगर ब्रश में है तो जो कलर आप चाहते हैं कि हम इसके फूल में दें तो वो उसमें नहीं आएगा, और जब नहीं आएगा तो फिर वो दिक्कत कर जाएगा। तो हम इसमें लेते हैं थोड़ा सा ये देखेंगे येलो कर, ठीक है, येलो कर का हमने यहाँ पे लिया, आपको दिख रहा है ना, हाँ येलो ओकर को हल्का सा पानी के साथ में येलो ओकर और येलो दोनों को हमने मिक्स किया और इसके साइड में हमने लगाया, ठीक है ना। इसमें पूरे में आपको लगाना नहीं है, आपको साइड में लगाना है, ओके, ये लगा दिए। उसके बाद हमने लिया रेड कलर, ठीक है, रेड आप वो ले सकते हैं, जो है क्रिम्सन है वो ले सकते हैं, यानी आप अपने चॉइस का ले सकते हैं। अब इसके यहाँ पे हमने लिया हल्का सा डार्क लाइट में आ जाएगा वो,
वीडियो को सभी लोग शेयर कीजिए। अब इसी कलर को हम थोड़ा सा नीचे भी लेंगे। याद रहे कि पेंटिंग में जो भी इसमें फ्लावर है आप जो क्या एक्रेलिक कलर है? नहीं नहीं, ऑयल कलर है ये, सब ऑयल कलर है ये। एक्रेलिक हम यूज नहीं कर रहे हैं। वैसे यूज इसको करने के लिए दूसरा तरीका है, ठीक है, जो आने वाले टाइम में हम नेक्स्ट टाइम जो लेकर आएंगे वो एक्रेलिक का ही होगा, ठीक है। एक्रेलिक के बारे में लोग यूज तो करते हैं वो, लेकिन उसको कैसे करते हैं ये उनको ढंग से पता नहीं है, इसलिए वो इनकार कर जाते हैं कि नहीं हम करते ही नहीं हैं, ठीक है ना वो। लेकिन हम आपको एक्रेलिक पेंट आपको करके दिखाएंगे आने वाले टाइम में। ये देखिए, अब ये हमने इस पर हमने कलर मैंने कर दिया, ठीक है। ये देखेंगे अब इसको थोड़ा थोड़ा हमको इसको जो भी कलर आप लगाएंगे उसको कम से कम 20 मिनट 25 मिनट आपको छोड़ देना है। छोड़ेंगे तो क्या होगा, जो कलर आप लगाए हैं अच्छी तरह से अंदर वो चूस लेगा। तो उससे क्या होगा कि आपका जो कलर है ना वहाँ से हटेगा नहीं, जब इसको बाद में जब इसको पोछेंगे ऑयल से तो ये छोड़ेगा नहीं कलर का। अब हम क्या करेंगे इसको पोछने के लिए, फिर से ये जो कपड़ा है दूसरा वाला लेंगे, ये उंगली में लेंगे, याद कीजिए ये उंगली में लेना है, ठीक है, ये ऐसे लेना है। याद रहे कि ये जो ऑयल है जैसे ये गंदा हो जाए आपको चेंज कर देना है, ठीक है, ज़्यादा अगर ये गंदा हो जाए तो आपको चेंज कर देना है। अब इसको हम हल्के हाथ से और इस पेंटिंग में आप कोशिश कीजिएगा कि आपका जो कपड़ा है ना बिल्कुल लाइट कलर का होना चाहिए, वाइट हो गया, क्रीम कलर का हो गया, ठीक है। अगर वो डार्क अगर होगा तो वो कलर उसमें वो छोड़ देगा, छोड़ इसलिए देगा क्योंकि जितने भी जो ये सब जो कपड़े होते हैं सब ये डाई से किया हुआ होता है, डाई का होता है कलर, ठीक है, डाई से रंगा जाता है, जो धीरे धीरे उसका जो कलर है डल पड़ने लगता है। चाहे आप ये कोई भी ब्रांड का कपड़ा ले लीजिए, रिबॉक का ले लीजिए, एडिडास का ले लीजिए, उसका कलर जाना ही है, ठीक है। अगर कंपनी बोलती है कि ये कलर नहीं छोड़ता है तो ये सब गलत बात है, छोड़ता है, ठीक है वो, लेकिन जल्दी नहीं छोड़ेगा लेकिन छोड़ेगा जरूर। तो इसलिए आप इस पेंटिंग में सफ़ेद जो कपड़ा है, लाइट जो कपड़ा है उसका इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। आप ये देखिए कि इसकी जो फ्लावर है कितनी अच्छी आ रही है। इस पेंटिंग वही है कि आप जो पेंटिंग की इसमें जो कलर आप दे रहे हैं आपकी सेंस कितनी है ये मायने रखता है। अभी हम आपको इस पेंटिंग को ऊपर उठा के आपको इसकी पूरी डिटेल अभी हम आपको बताते हैं। तो ये हमारा जो फ्लावर है कंप्लीट हो गया है और आपको इन फ्यूचर में ऐसा पेंटिंग आपको बनाना है या करना है तो उसके बारे में आपको थोड़ा और डिटेल हम आपको दे देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। इस पेंट को थोड़ा सा हम हटा लेते हैं और आपको बताते हैं कि आप अगर इसको कलर करेंगे तो आपको इसको करना कैसे है, ठीक है ना, तो वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो आप फिर अब ये हमारा आखिरी वीडियो है इस पेंटिंग का, तो ये बताना ज़रूरी है, ठीक है। दिख रहा है साफ, हाँ आ रहा है। तो आप अब ये तो हमने बना दिया है आपके कहने पे, हमने सर
आपके व्यूअर्स लग रहा है कि आप फेसबुक में लास्ट वीडियो लेके आ रहे हो, आपके व्यूअर्स कैसे लग रहा है कि आपने आपकी ये वीडियो फेसबुक में लास्ट होगी? नहीं नहीं, इस पेंटिंग का लास्ट है, आप ऐसे लास्ट वाला मत समझिए। इस पेंटिंग का ये मेरा चौथा पार्ट है जो आज हम इसको एंड कर रहे हैं, ठीक है। अब ये हमने आपको बता ही ये दिया है ना, अब इसकी जो कलरिंग है बाकी का हम अपने आप इसको कर लेंगे, जैसे कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसको पोस्ट भी करेंगे। लेकिन इसको आपको हम बताना चाहेंगे कि ये हमने जो कलरिंग किया है, आप देखेंगे कि यहाँ पे येलो है ना सर, सिर्फ फिनिश में के बाद वार्निश कोटिंग करनी है? नहीं नहीं, आप जो रिलीफ पेंटिंग बना रहे हैं वो डल में ही अच्छा लगता है, डल में ही अच्छा लगता है। अगर आप चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि इसमें शाइनिंग आ जाए तो पिक्चर वार्निश आप मार सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर आपकी इच्छा है तो इसमें हीरा मोती लगा दीजिए, दिक्कत वाला बात नहीं है, है ना। तो इस ये पेंटिंग डल में ही अच्छा लगता है, ठीक है। वो क्योंकि आज तक मैंने जितने भी पेंटिंग इस टाइप का मैंने बनाया है डल में बनाया है, तो आप ये देखेंगे। अब ये जो है फ्लावर है येलो है, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, थोड़ा सा जूम होगा, पीछे लेते हैं, ये देखिए येलो है। तब यहाँ पे हम इसको येलो नहीं करेंगे, इसको येलो नहीं करेंगे, इसको येलो नहीं सर, आप एक बार फिर से अपना बुद्धा दिखा देंगे? नहीं जरूर जरूर। तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पे येलो है ना, तो आपको इसकी जो फ्लावर बनाने से पहले आपको सोच लेना है कि जो फ्लावर का जो रंग है कितने प्रकार का दे रहा है, तीन प्रकार का रंग दे रहा है या चार प्रकार के दे रहा है। अगर इसमें येलो अगर एक यहाँ आ गया तो एक येलो आप यहाँ देंगे, एक येलो यहाँ और एक येलो यहाँ, ठीक है, एक रेड यहाँ एक रेड यहाँ, ओके, एक रेड यहाँ, वैसे ही एक ऑरेंज यहाँ तो एक यहाँ एक यहाँ। इससे क्या है कि जो फ्लावर का कलर है वो एक साथ में ना रहे, अलग अलग वो दिखाई दे। एक अगर येलो यहाँ है तो एक यहाँ, अभी इसको भी येलो कर देंगे, इसको भी येलो कर देंगे, इसको भी येलो कर देंगे तो वो जमेगा नहीं, ठीक है। तो ये आपके लिए हम आपको बता दिया। अब यहाँ पे बात आता है ये पत्ते का भी, ठीक है, पत्ते का भी जो वेरिएशन है, हल्का सा व्हाइट हल्का सा येलो डाल के इसमें आप कर सकते हैं पत्ता भी। ये बड़ा पत्ता है, ये भी पत्ता है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। अब ये एक दो तीन चार पांच, ये जो पांच पत्ता है इसमें भी हम हल्के हल्के वेरिएशन देंगे, इसलिए क्योंकि ये थोड़ा सा अलग दिखाई दे, जब अलग दिखाई देगा तो पेंटिंग का लुक अच्छा आएगा। आप ये देख लीजिए, अब इसकी बैकग्राउंड जैसे ही आप करेंगे बैकग्राउंड ये सब, आपको जहाँ पे डार्क लगता है लाइट लगता है तो जो बैकग्राउंड जो कलर है उसको थोड़ा सा लेके हल्का सा उसको घिस सकते हैं, हल्का सा, कि कहीं पर डार्क लाइट ना दे। लोग ये भी करते हैं, आपको बोल रहे हैं जो अच्छा नहीं होता है, कि ये करने के बाद यहाँ पे डार्क की हल्का हल्का ये शेडिंग देते हैं, ठीक है, तो वो आप छोटे पेंटिंग में नहीं दे सकते हैं, ये ऑलरेडी ये शेडिंग का ही कमाल है, ठीक है। आप ये जैसे ही हम ये लाइट हमने बंद की, आप देखेंगे कि इसमें ये शेडिंग आ रही है। अब वो वाला हमने अभी लाइट ये बंद करेंगे, ये देखिए है ना। तो इसमें ऐसे पेंटिंग में ये शेडिंग देने की जरूरत नहीं है, छोटी पेंटिंग है, ठीक है, ये आपको ऐसे ही अच्छा ये लगेगा, आप देख सकते हैं। सर क्या आप पूरी पेंटिंग बना सकते हो अभी? नहीं अभी तो टाइम नहीं है, अभी तो ये मुश्किल है ये कि हम इसको कल के डेट में इसको फाइनल करके इसको पोस्ट हम करेंगे जरूर, कि मैंने ये ऑनलाइन आपके सामने मैंने बनाया है, ठीक है ना। ये आप तो देखिए कितना अच्छा आ रहा है ना, इसीलिए मैंने ये छोटा सब्जेक्ट हम लेकर आए, छोटा सा। अगर इसके बॉर्डर भी ले आते और बड़ा पेंटिंग होता तो उसमें होता क्या कि आपको ज़्यादा टाइम लग जाता है एक पेंटिंग को कंप्लीट करने में, 10 दिन 15 दिन। तो हम यही चाहते थे कि आपके सामने ये जल्दी वाला लेकर आए, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी इसकी ड्राइंग बनाया और आपके सामने ये हम लेकर आए। अगर हम चाहते तो बड़ा वाला भी लेके आज आते,
लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैंने ये छोटा कंसेप्ट लेकर आया कि आपको ये छोटा है, ये इम्बोज में आप देख सकते हैं कि आँख नाक ये सब उभरा हुआ है, ये इसमें हर चीज उभरा हुआ है, लेकिन इसमें भी वर्क बाकी है, अभी इसमें वर्क बाकी है, इसकी जो फिनिशिंग में अभी 25-30% काम बाकी है और इसको जल्दी ही आपके सामने ही इनकी कलरिंग हम करेंगे और जब कलरिंग हो जाएगा तो ये बहुत ही सुंदर दिखाई देंगे। और इसको म्यूरल पेंटिंग बोलते हैं। म्यूरल पेंटिंग में होता क्या है कि बॉडी का हर पार्ट इम्बोज होता है उसको म्यूरल पेंटिंग बोलते हैं, ठीक है। रिलीफ पेंटिंग में कहीं कहीं इम्बोज होता है, कहीं कहीं पे बिल्कुल वो प्लेन होता है। अगर वो रिलीफ पेंटिंग में कोई आदमी पेंटिंग बना रहा है और उसका फेस अगर पेंट से दिखा रहा है, पेंट से कर रहा है, तो उसको रिलीफ पेंटिंग नहीं बोलेंगे, उसको म्यूरल पेंटिंग नहीं बोलेंगे, रिलीफ पेंटिंग बोलेंगे। रिलीफ पेंटिंग जो अभी मैंने आपके सामने बनाया है उसी को बोलते हैं, ठीक है, जो इम्बोज होते हैं उसको आप देख सकते हैं, ये इतना ये इम्बोज है। ये नाक सब इसका निकला हुआ है तो इसको म्यूरल पेंटिंग बोलते हैं वो। लेकिन कुछ ऐसे ऐसे कलाकार हैं जो रिलीफ पेंटिंग में ही वो करते हैं क्या, ये सब इम्बोज किए, जो फेस है वो फेस को उन्होंने प्लेन कर दिया और उसको पेंट से बना दिए, तो उसको रिलीफ ही बोलेंगे, उसको म्यूरल पेंटिंग नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये म्यूरल का मतलब है कि बॉडी का हर पार्ट इम्बोज होना चाहिए, हाथ से लेके उंगली तक सब कुछ। और अधिकतर जो म्यूरल है दीवार के ऊपर, पत्थर के ऊपर कार्विंग करके बनाया जाता है, जो मूर्तिकार लोग बनाते हैं। आप एलोरा के जो गुफा है अजंता, यहाँ पे आप गए होंगे, आप देखे होंगे, वहाँ के जो जो दीवार है वहाँ पे म्यूरल पेंटिंग बनाई गई है वो, और वो भी हजारों साल पहले की बात है। तो ये सब बातें हैं, तो इसको रिलीफ पेंटिंग बोलते हैं। और अभी जो बुद्धा मैंने आपको दिखाया है उसको म्यूरल पेंटिंग बोलते हैं, तो ये डिफरेंट है। तो आज के लिए हम यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं और हम जल्दी एक आध दिन में आपके पास आने वाले हैं एक नए कंसेप्ट को लेकर, और आप उसे एंजॉय करेंगे। और हमको बेहद ही खुशी होती है कि इस लॉकडाउन में हम आपके लिए ऐसे पेंटिंग लाकर, जो लॉकडाउन का जो टेंशन है, वायरस का जो टेंशन है, इसमें हम आपके लिए ऐसे आइटम लेकर आते हैं कि आप इंजॉय करें और कुछ सीखें। और हमको आते हुए भी हमको काफ़ी अच्छा लग रहा है, हमारा भी टाइम थोड़ा निकल जा रहा है और आप लोग हमको पसंद भी कर रहे हैं और इतने हमको लोग लाइक कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, जो एक मेरे लिए बड़ी बात है। इतने कम टाइम में लोग इतना हमको मानने लगे हैं, पसंद करने लगे हैं, और आप ऐसे ही आर्ट को हमारी आगे करते रहिए ताकि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे आर्ट वर्क मैं लेकर आऊँ। आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि मैं आपको दुनिया की जितनी भी पेंटिंग होती है आने वाले टाइम में सब पेंटिंग हम इसी प्लेटफॉर्म पर लेकर आएंगे। बस एक बार लॉकडाउन खुल जाए, वन बाई वन आपको हर पेंटिंग देखने को मिलेगी, कोई भी पेंटिंग हो, आप बस आप फरमाइश कीजिएगा, हम उसको लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, आप सभी को बाय और गुड नाइट।